हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मार्केट में आजकल स्मार्ट टीवीज़ के इतने ज़्यादा ब्रांड्स हैं, लाइक रियलमी, वन प्लस, मी, वी यू, एंड इसी मंथ ओप्पो एंड इन्फिनिक्स भी अपने नए स्मार्ट टीवीज़ को इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, चाइनीज़ ब्रांड्स चाहे जितने मर्जी हो मार्केट में, लेकिन आज भी स्मार्ट टीवीज़ की वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन सैमसंग ही है। लेकिन सैमसंग के टीवीज़ के साथ एक कन्फ्यूजन है। सिर्फ 43 इंच साइज की बात करें तो उसी में ही सैमसंग के 5 मॉडल्स अवेलेबल हैं। और ऐसा नहीं है कि इन पांचों में से कोई भी मॉडल पिछले साल का हो, यानी कि पुराना, बल्कि ये पांचों मॉडल्स इसी साल लॉन्च हुए हैं 2020 में, एंड ये पांचों ही 4K रेजोल्यूशन में आते हैं। और इनका प्राइस 37,000 रुपीज से स्टार्ट होकर 50,000 रुपीज तक है। सो ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ये है कि सैमसंग का कौन सा 43 इंच 4K स्मार्ट टीवी परचेज करें। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। एंड हाँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सैमसंग ब्रांड को लेकर थॉट्स कम्प्लीटली चेंज हो जाए, एंड आपको शायद सेम टीवी के 8 से 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ना पे करने पड़े। ऑल्सो गाइज, इन सभी टीवीज के बेस्ट सेलर लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से लेटेस्ट प्राइस एंड डील्स को चेक कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले जैसे ही हम वीडियोस अपलोड करते हैं। नाउ विदाउट फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये पांचों टीवीज आते हैं 4K रेजोल्यूशन में विद 3840x2160 पिक्सल्स, एंड इन सभी में स्टैंडर्ड 60Hz का रिफ्रेश रेट है। वीडियो फीचर्स की बात करें तो गाइस, सभी टीवीज के वीडियो फीचर्स ऑलमोस्ट सेम हैं। सभी में HDR10, HDR10 प्लस, HLG एंड प्योर कलर के वीडियो फीचर्स की सपोर्ट दी गई है। लेकिन सिर्फ सैमसंग TU8570 में प्योर कलर की जगह डायनेमिक क्रिस्टल क्लियर दिया गया है। देखो गाइस, सैमसंग के टीवीज के डिस्प्ले क्वालिटी को कंपनी एक इंडेक्स के थ्रू कंपेयर करती है, PQI, यानी कि पिक्चर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें हर टीवी के कंट्रास्ट रेशो, ब्राइटनेस एंड वीडियो क्लैरिटी के फैक्टर्स को कंपेयर करके एक नंबर रिवील होता है, जिससे उसकी ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी का पता चलता है। यानी कि जिस टीवी की PQI रेशो जितनी ज्यादा होगी, उसकी वीडियो क्वालिटी उतनी ज्यादा बेटर होगी। हर टीवी की PQI रेशो अलग होती है, एंड इन पांचों में से दो मॉडल्स की PQI रेशो है 2000, दो की है 2100, एंड सिर्फ एक टीवी की PQI रेशो है 2800। यानी कि 2800 PQI इंडेक्स वाले टीवी की पिक्चर क्वालिटी बाकी चारों से काफी ज्यादा बेटर है। सभी टीवीज के ऑडियो फीचर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सभी टीवीज में डॉल्बी डिजिटल एंड डॉल्बी डिजिटल प्लस की सपोर्ट दी गई है, एंड इन सभी टीवीज में सैमसंग का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। इसी के साथ सैमसंग के ऐप स्टोर की सपोर्ट भी मिलेगी, जिससे आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, एंड ऑफिस 365 भी प्री इंस्टॉल मिलेगा इन सभी टीवीज में। ऑफिस 365 के साथ आप अपने टीवी पे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड एंड प्रेजेंटेशन पे काम कर सकते हैं। स्पीकर्स की बात करें तो गाइस, सभी टीवीज में 20 वैट्स के स्पीकर्स हैं। देखो गाइस, 20 वैट्स की साउंड आउटपुट एक एवरेज साउंड आउटपुट है, एंड अगर आप 20 वॉट से ज्यादा ऑडियो आउटपुट चाहते हैं तो आप एक साउंड बार अटैच कर सकते हैं। एंड बजट साउंड बार्स अंडर 5000 की वीडियो का लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जरूर चेक करें। एंड इन पांचों में ही ब्लूटूथ 4.2 एंड वाईफाई के साथ ही एप्पल एयरप्ले 2 की सपोर्ट दी गई है, एंड सभी टीवीज में सेम ग्राफिक प्रोसेसर है, सैमसंग का क्रिस्टल प्रोसेसर 4K, एंड पांचों टीवी सभी OTT एप्लीकेशंस को भी सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ 3 HDMI, 2 USB एंड सभी नेसेसरी पोर्ट्स की सपोर्ट दी गई है इन पांचों टीवीज में। सिर्फ सैमसंग TU7200 में AV पोर्ट मिसिंग है, एंड इनमें से 4 टीवीज में तीनों वॉइस असिस्टेंट्स की सपोर्ट दी गई है, बिक्सबी, अलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट। सिर्फ एक TU7200 में बिक्सबी की सपोर्ट नहीं है, लेकिन बाकी दोनों, गूगल असिस्टेंट एंड अलेक्सा की सपोर्ट TU7200 में भी है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज की, जो कि है इन टीवीज की प्राइसिंग। तो गाइस, जैसा कि हमने देखा कि सभी टीवीज के फीचर्स, चाहे वो वीडियो फीचर्स हो, ऑडियो फीचर्स एंड चाहे कनेक्टिविटी ऑप्शंस हो, इन सभी में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनकी प्राइसिंग में काफी ज्यादा डिफरेंस है। लाइक वंडरटेनमेंट टीवी की प्राइस है 37,000 रुपीज, TU7200 की प्राइस है 40,500 रुपीज, TU8000 की प्राइस है 42,500 रुपीज, और TU8200 की प्राइस है 45,000 रुपीज। एंड इनमें से सबसे कॉस्टली टीवी है TU8570 विद प्राइस 48,200 रुपीज। देखो गाइस, इन पांचों टीवीज में से TU8570 की प्राइस नियरली 50,000 के करीब है, विच इज रीजनेबल, बिकॉज इसकी जो PQI रेशियो है वो सबसे ज्यादा है 2800, एंड इसके वीडियो फीचर्स भी बाकी टीवीज के कंपैरेटिव बेटर है। यानी कि साफ साफ ये चीज पता चल रही है कि अगर इसका प्राइस वंडरटेनमेंट सीरीज से 10-11 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा है तो वो क्यों ज्यादा है। लेकिन बाकी चारों की
करें तो गाइस 45,000 वाले TU-80-200 में एंड 37,000 वाले वंडरटेनमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक दो पोर्ट्स एंड माइनर फीचर्स को चेंज करके, सेम टीवी का सिर्फ नाम चेंज करके प्राइस में 7,000-8,000 रुपीज का डिफरेंस, लेकिन फीचर्स टोटली सेम एंड वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी टोटली सेम। सो ऐसे में अगर आपका बजट अराउंड 50,000 रुपीज है तो आपको TU-8570 कंसीडर करना चाहिए, विच इज बेस्ट अमंग दी ऑल। एंड अगर आप बाकी चारों में से कोई भी टीवी परचेज करना चाहते हैं तो आपको वंडरटेनमेंट सीरीज का 43 इंच 4K टीवी प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज 37,000 रुपीज स्पेंड करके आपको सेम 45,000 रुपीज वाले सेम फीचर्स मिल रहे हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इनमें से कोई भी टीवी ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं सो मेक श्योर आप मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक्स के थ्रू ही परचेज करें, जिससे आपके लिए प्राइसिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, प्राइस बिल्कुल सेम रहेगा आपके लिए, लेकिन हमें चैनल ग्रो करने में थोड़ी सी हेल्प होगी ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बढ़िया कंटेंट बना सकें। एंड हाँ गाइज, वीडियो को लाइक एंड शेयर तो आप करते ही हो, मेक श्योर आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बहुत ही जल्द। स्टे सेफ एंड पीस आउट।